धर्मिंदर गौरव, हम लोग दो पर्पस से आज, पहला तो ये है कि लगातार पत्रकारों पर, मीडिया के लोगों पर हमला हो और गढ़नी में भी हुआ, दो दो लोगों की जान गई, इसके पहले सिवान में भी घटना घटी थी। सरकार कटिबद्ध है, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का मीडिया। सरकार कटिबद्ध है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सिवान में भी जो हुआ उसके सारे दोषी जेल के अंदर चले गए और सब का स्पीडी ट्रायल हो रहा है, सबको लगभग सजा होना भी निश्चित सा दिख रहा है। इस घटना में भी जो गढ़नी में घटी, उस घटना में भी हम समझते हैं कि कोई बचेगा नहीं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामविलास पासवान जी ने कल दूरभाष पर कहा कि घटना स्थल पर जाइए, तो हम सब लोग जांच टीम के रूप में वहां जा रहे हैं, अभी जाएंगे, यहां से तुरंत वहां जाने जाएंगे। पार्टी के अध्यक्ष भी, रविंद्र भी, सब लोग हमारे सेना के भी अध्यक्ष, सब लोग जाएंगे। दूसरी बात है कि 4 अप्रैल को गांधी मैदान में विश्वकर्मा अधिकार रैली है, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए और उस रैली में गांव-गांव में तैयारी चल रही है और वहीं से शुरू करेगा पूना पैक्ट पर पुनर्विचार के लिए। फिर जो समाज के अंतिम पीढ़ी पर, अंतिम पैदान पर जो खड़े लोग हैं, अति पिछड़ा समाज, उसके लिए भी लोकसभा विधानसभाओं में भी आरक्षण हो, उस सवाल को लेकर के। फिर जो है कि 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने का बिहार सरकार ने जो भेजा था, ये सब 3-4 सवाल हैं और वहीं से नई राजनीति की शुरुआत होगी। 4 अप्रैल को गांधी मैदान से नई राजनीति। तो आज आप लोगों के जो टीम आई है, इसका आना पहले से तय था या कल रात में तय हुआ? रात में तय हुआ, हम अपने पार्टी प्रेसिडेंट को तुरंत बताए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, कल एकदम घटना स्थल पर जाइए, तो फिर हम लोग सब अभी वहाँ जाएँ। क्या आपको नहीं लगता कि जब पत्रकारों के ऊपर कोई बड़ी हमला होते हैं, आपत्ति आती है, तो बहुत जो नेता होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पत्रकारों की सुरक्षा की बातें करते हैं, इसके पहले नहीं कर पाते, क्या कारण आते हैं? नहीं, आप लोगों ने सही कहा, लेकिन हम आपको बताएं कि पहली बार हुआ सिवान में जो पत्रकार की हत्या की गई, पहली बार हुआ, बहुत ध्वंग ध्वंग लोग उसमें थे, सारे लोग जेल के शिकंजों में बंद हैं, पहली बार। आप इस घटना में भी देखिए, पत्रकारों को, हमारी पार्टी इस बात का पक्षधर है कि पत्रकारों को सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए। आप मुहैया कराते हैं, रोड पर चलते हुए लोगों को जब सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो जिले के एसपी को चाहिए कि जितना पत्रकार है, पत्रकारों को आप सिक्योरिटी देने का काम करें। आप एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के फरमान पे यहाँ पहुँचे हैं पत्रकार के परिजन से मिलने के लिए, लेकिन ये पत्रकार के साथ केवल आरा ही नहीं, पूरे बिहार में देखा जाए तो ये पहली घटना नहीं है। राजदेव रंजन का हो या रोहतास का हो, आरा का हो, बहुत सारे जगह ऐसा हुआ। पुलिस प्रशासन का तो काम है, जैसे अभी आपने कहा कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, तो पुलिस प्रशासन का तो काम है कि हत्या होगी, अपहरण होगी, डकैती होगी, जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा, ये इनके पार्टी के द्वारा पत्रकारों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, क्या विशेष आज तक ऐसा कुछ किया गया?
देखिए, हम लोग सिवान की दुर्घटना घटी थी तो हमारी पार्टी ने राज्य सरकार को लिखा, फिर गृह मंत्री से भी, कल भी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री से बात की कि ये पत्रकारों का, सिर्फ बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी हमला हुआ, उत्तर प्रदेश के भी बरसोई में और वो गोंडा में दो दो जगह पत्रकारों पर अभी हमला हुआ है। उन सवालों को लेकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से उन्होंने बात की और हम आपको बताएं कि हम आज भी आपको पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी इस मामले में 4 कदम आगे है पत्रकारों के मामले में, क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक सेटअप को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को, आपकी पार्टी 4 कदम आगे है, हमेशा रहेगी। जैसा आपने कहा, राजदेव रंजन की पत्नी अपनी सुरक्षा के लिए बार बार गुहार लगा रही है, ये सही है कि जो अपराधी हैं उनको सजा मिल रहा है, गिरफ्तारी उनकी हुई है, लेकिन स्पेशली जो पीड़ित है, पीड़ित जो है उसके परिजन आज तक सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं, उनको नहीं मिला। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजीव जी की पत्नी को सिक्योरिटी देने के लिए बाजाब्ता डीजीपी को लोजपा ने पत्र लिखा। सिक्योरिटी देना चीफ मिनिस्टर के लेवल का होता है और पूरा होम डिपार्टमेंट है उसके लेवल का, क्योंकि हमको इसका इसलिए ज्ञान है कि हम दो दो बार इस बिहार में मिनिस्टर के चेयर में गए हैं, इसलिए हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी के लिए हमारी पार्टी ने लिखा है और उस पर कार्रवाई भी हो। कब तक देखिए, कब तक समय सीमा अभी हमने आपको बताया, इसके पहले परिजन की हत्या हो जाए ये नहीं, ये नहीं। हम फिर से आपको कह रहे हैं, हमारी पार्टी फिर चीफ मिनिस्टर से बात कर, ये माना जाए ना कि पुलिस अपने मन से, मतलब कि अपराधी को या जो पीड़ित है उसको सुरक्षा नहीं दे रही है, अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, जब तक इसमें कोई राजनीतिक हैंड्स इसमें नहीं आता है। नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। माननीय, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं कि सिक्योरिटी देने के मामले में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को होम डिपार्टमेंट अडॉप्ट, सरकार को उसको लचीला बनाना चाहिए। फिर हम लौटेंगे सर, पटना लौटेंगे सब कार्यक्रम करके, तो हम फिर परसों जब मिनिस्टर से बात करेंगे और कहेंगे इस मामले में कि नहीं, सिक्योरिटी पत्रकारों को देने के मामले को जो बहुत लंबा हम लोग खींचते हैं उसको सरकार लचीला बनाए, उसको इजी प्रोसेस में। एक अंतिम सवाल है जी, क्या आप कुछ कहेंगे? पत्रकार सुरक्षा कानून पहले उनके सवालों का जवाब दे दें, फिर आपको बता देंगे जी। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, किसी भी संगठन से जुड़ा हो, उनका कोई अपना प्रोटोकॉल नहीं होता है, लेकिन स्पेशली एलजेपी नहीं, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबके साथ जो हम लोगों की घटना घट रही है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ जो आप लोग कहते हैं, मतलब पत्रकार को, अपराधी तो हैं, उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, जब चाहे जिसके साथ जो अंजाम देना हो दे दें, लेकिन जो राजनीतिक दल किसी जिले में हो या मुख्यालय में हो, जब भी पत्रकारों के साथ वार्ता करना होता है तो उसमें समय सीमा की कीमत नहीं रहती है, ये कहाँ तक रही? सर जी, समय सीमा की कीमत रहती है, हम आपसे माफ़ी चाहेंगे, आजकल ही लेट आए, लेट आने का कारण रहा, हम तो इतने टाइम पर चले पटना से, कोइलवर में 2 घंटा तक रुकना पड़ा, पुल के उस पार ही बहुत भयानक जाम, फिर हमको हमारे अध्यक्ष जी आप क्या पूछ रहे हैं? कहने का मतलब, जब जिस तरह से पत्रकारों को लोग, बहुत सारे लोग मानते आ रहे हैं, चौथा स्तंभ आप लोगों के माध्यम से हम लोग कहे जाते हैं, लेकिन आज तक पत्रकार सुरक्षा कानून लापारित नहीं हो पाया जिससे पत्रकार असुरक्षित महसूस करते हैं, तो क्या आपकी पार्टी इसमें क्या योगदान दे? देखिए, हमारी पार्टी कल भी हमारे पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग कल भी उन्होंने और स्पष्ट कहा कि पत्रकारों के मामले में कोई वैचित नहीं,
और हम सब लोग आ जाएं आपके हर चिंतन के हर सवालों के साथ है हमारी पार्टी, हम सब लोग खड़े हैं और फ्यूचर में भी हम सब कुछ करें। क्या यह माना जाए कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने में आपकी भूमिका होगी? देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून बने नहीं बने, लेकिन लोकतंत्र में जैसे हम लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया होती हैं पॉलिटिकल लोगों को, वैसे ही सुविधा मुहैया पत्रकारों को भी, इसके पक्षधर है। सर, आज जांच टीम आई है, जाएगी, जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी, कोई मदद मिलेगी पीड़ित पत्रकार, मृतक पत्रकार के परिजनों को? पत्रकार के परिजनों को मुआवजा देने का जो प्रक्रिया है कल से शुरू करेगा, वो है वहाँ दृष्टि है।